Hello, good morning, India. Hey guys, welcome on Wi-Fi Study Studios, a part of an academy. आप सभी का फेवरेट शो VTR लेकर मैं संदीप केशरवानी आज कुछ अलग से रूट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज का जो VTR का रूट है वो है आपके लिए ANDR. एंडर, एंडर का मतलब होता है मैन, यानी किसी भी वर्ड में अगर आपको ANDER दिख जाए ANDER तो समझ जाइएगा उसका मतलब होता है मैन, यानी वो मैन से रिलेटेड ही उस वर्ड की मीनिंग होगी. तो कुछ वर्ड्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, चलिए एक एक करके उन सारे वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं. सबसे पहला वर्ड है, दिस इज एंड्रोजिनस. एंड्रोजिनस जो कि फर्स्ट वर्ड आपके लिए है, एंड्रोजिनस का मतलब होता है हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल करेक्टरिस्टिक, जो दोनों प्रकार के करेक्टरिस्टिक का आदमी होता है, मेल का भी एंड फीमेल का भी, है ना. इफिमिनेट टाइप की क्वालिटी, हालांकि इफिमिनेट नहीं कह सकते बिकॉज इफिमिनेट एक मेल होता है लेकिन हरकतें फीमेल जैसी होती है. एंड्रोजिनस का मतलब जो मेल फीमेल दोनों टाइप की क्वालिटी टाइप का आदमी हो उसे कहते हैं. जैसे आपने कहा स्टनिंगली एंड्रोजिनस डांसर, यानी एक बहुत ही शानदार लेकिन एंड्रोजिनस डांसर है, दोनों प्रकार से वो डांस कर लेता है, उसका बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म कर लेता है. सेकंड वी हैव एंड्रॉइड. एंड्रॉइड मीन्स होता है रिजेंबलिंग अ ह्यूमन, ह्यूमन लाइक रोबोट, उसको एंड्रॉइड कहते हैं. मोबाइल एंड्रॉइड फोन लेते हैं आप लोग ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा स्पेस स्टेशन इनहेबिट ओनली बाय एंड्रॉइड्स के द्वारा, ठीक. तीसरा है मिस एंड्री. मिस मीन्स होता है हेट करना और एंड्री का मतलब होता है किसी मेन से, तो मेन से हेट करना, तो हेटेड टुवर्ड्स मैन, उसे हम कहते हैं मिस एंड्री. जैसे एग्जांपल आपने कहा पुअरली डिस्गाइज्ड मिस एंड्री, तो ये आपके लिए एग्जांपल भी हो गया. अगला वर्ड आपके लिए है, दिस इज एंड्रोगॉगी. एंड्रोगॉगी मीन्स होता है द मेथड्स और टेक्निक्स यूज्ड टू टीच एडल्ट्स, उसे एंड्रोगॉगी कहते हैं. जैसे एग्जांपल आपने कहा कि मच हैज बीन रिटन अबाउट एंड्रोगॉगी इन जनरल एजुकेशन सर्कल्स ओवर द पास्ट 50 ईयर्स. तो ये आपके हो गए चार वर्ड जो ANDER पे बने. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. अगला है पॉलीएंड्री. पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड्री का मतलब होता है मैन, तो बहुत सारे आदमी रखना, उसे कहेंगे पॉलीएंड्री. यानी द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारी शादियां करना, एक औरत के लिए बहुत सारे हस्बैंड रखना, उसे हम पॉलीएंड्री कहते हैं. वहीं पर अच्छा अब आपसे बताने कि एक टाइम में बहुत सारे हस्बैंड को रखना पॉलीएंड्री कहलाता है, तो एक समय में बहुत सारी वाइफ को रखना क्या कहते हैं, ये सवाल है. आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मल्टीपल वाइफ्स का होना ये क्या कहलाता है. अगला वर्ड आपके लिए है, एग्जांपल पहले देख लीजिए. पॉलीएंड्री डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारी जगहों पर नहीं होता है. नेक्स्ट वर्ड है, दिस इज एंड्रोक्रेसी. क्रेसी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर उससे रिलेटेड वर्ड निकल के सामने आएगा. आपने कहा एंड्रोक्रेसी, दिस मींस पॉलिटिकल रूल बाय मेन और मेल्स, उसे कहते हैं एंड्रोक्रेसी. जैसे एग्जांपल आपने कहा द ग्रैंड डची ऑफ टस्कैनी, टस्कैनी वॉज एन एंड्रोक्रेसी, वो एक एंड्रोक्रेसी था. नेक्स्ट वी हैव दिस इज एंड्रोसेंट्रिक. एंड्रोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर्ड और फोकस्ड ऑन मैन, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे आई वुड लाइक टू कंसीडर द डोमिनेंट रोल ऑफ अ मैन इन एन एंड्रोक्रेटिक पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये आपके लिए एंड्रोसेंट्रिक का ये एग्जाम्पल भी हो गया. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दिस इज एंड्रोफोबिया. एंड्रो का मतलब मैन हो गया, फोबिया का मतलब डर होता है, तो एंड्रोफोबिया मीन्स होता है एबनॉर्मल फियर और डिसलाइक फॉर मैन, उसको हम कहते हैं एंड्रोफोबिया. बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स को मेन से डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, स्पेशली पुरुष जाति से बात करने में डर लगता है, उनको एंड्रोफोबिया होता है. अगला वर्ड है, दिस इज एंड्रानेटोमी. एंड्रानेटोमी मीन्स होता है द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल बॉडी, जो मेल की बॉडी होती है उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एंड्रानेटोमी. अगला वर्ड है, दिस इज एंड्रोसाइट. दिस मींस मेल सेक्स सेल स्पेशली ऑफ एन इमेच्योर स्टेज. एक इमेच्योर स्टेज में जो मेल सेक्स सेल्स होती है उनको हम कहते हैं एंड्रोसाइट. अगला वर्ड है आपके लिए, दिस इज एंड्रोइसियम. दिस मींस स्टेमेन, अ नेम गिवन टू द होल ऑफ द मेल ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर. तो ये फ्लावर के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. एंड लास्ट वर्ड है इस रूट का, वो है आपके लिए साइकेंड्रियाक. साइकेंड्रियाक मीन्स होता है अ रेफरेंस टू द माइंड ऑफ अ मैन और मेन.
सो गाइस ये रहे आपके लिए ANDR से बहुत सारे वर्ड्स, 12 वर्ड्स का हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको ये 12 वर्ड्स बहुत ही काम के लगे होंगे। इनको लर्न कीजिए, इनके स्पेलिंग्स का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये वर्ड्स रिपीट होकर पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सेशन में केवल इतना ही। जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे कि आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल एंड ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कीजिए इंग्लिश बाय संदीप सर, बिना स्पेस दिए हुए आपको मेरा चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा। लास्ट में चैनल में डबल आर है सर में, और यहाँ पर केवल सिंगल आर है। वहीं फेसबुक के पेज आप संदीप केसरवानी के नाम से सर्च कीजिए और ग्रुप इंग्लिश बाय संदीप सर के नाम से। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप पूछेंगे सर जरूरत क्या है, जरूरत पड़ेगी आपको इंग्लिश की, और वहां पे आपके सवाल का जवाब देने के लिए आप किसी ना किसी से तो सवाल पूछेंगे। पूछिए हमसे, मैं टाइम निकाल के आपके क्वेश्चंस को जरूर रिप्लाई करूंगा। तो यहां पर इन सोशल साइट्स पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करके शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो के 24 घंटे के अंदर 1000 लाइक्स हो जाते हैं, 1000 लाइक्स इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर 1000 लाइक्स हो जाते हैं, तो गाइज मैं आपके लिए फटाक से अगला सेशन डिसाइड कर दूंगा, डिजाइन कर दूंगा। और मुझे आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस रूट पर वो कैप चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपकी जो भी रूट पे आप वो कैप चाहते हैं, आप रूट लिखिए, हम आपके लिए वो कैप लेकर आएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, संदीप सर की क्लासेस कोई भी मिस नहीं होगी। आपकी ओवरऑल इंग्लिश, चाहे वोकैबलरी हो, ग्रामर हो, या तो एडिटोरियल, या हो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, सबका सब स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, इस बात का मेरा वादा है। अभी के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।